जिससे कि इस बात का परिचय मिलता है ये वस्तु शुद्ध शाकाहारी है। जो दूसरी गैर शाकाहारी चीजें हैं उनके ऊपर लाल निशान लगा होता है जिससे जाना जा सके कि भी ये चीज गैर शाकाहारी है, और निर्णय लेने वाला व्यक्ति अपने विचार से और पसंद से वस्तु को ले सकता है। ऐसा जनमानस के अंदर प्रचार है, मानते हैं भाई सरकार ने ऐसा कर दिया बहुत अच्छा हो गया, इससे पता चल जाता है। लेकिन जो नई नई बातें सामने आती हैं उन बातों को जब जाना जाता है तो बड़ा आश्चर्य होता है। आश्चर्य क्या होता है, जो हरा निशान लगाओ बंधु हो, जिन चीजों के ऊपर डिब्बों के ऊपर हरा निशान लगा होता है और जिनके बारे में आदमी आंखें मूंद करके मान लेता है ये तो शाकाहारी हैं, वे भी शाकाहारी नहीं होती। कितनी चीजें ऐसी हैं जो प्रयोग में लाई जाती हैं शाकाहारी लोगों के द्वारा, पर वो शाकाहारी नहीं होती। एक भाई ने मुझे दिखाया, बोले जी महाराज संसार के अंदर बड़ा धोखा चल रहा है, बड़ा छल चल रहा है, लोगों को ठगा जा रहा है, उनके जो धर्म है वो भ्रष्ट किए जा रहे हैं, उन लोगों को तो अपने उत्पादन बेचने हैं इसलिए वो तो लगे हुए अपने काम के अंदर, वहाँ विचार कहाँ, वहाँ तो धोखा और छल है। उस आदमी ने कहा फोन के ऊपर देखा जा सकता है, नेट के माध्यम से देखा जा सकता है, और जो साधन है इनके द्वारा देखा जा सकता है, और क्या देखा जा सकता है, सरकार की आंखों में धूल झोंकने के लिए वे उन डिब्बों के ऊपर कुछ अपने कोड डालते हैं, और क्या कोड डालते हैं इसके अंदर वो व्यक्ति पढ़ करके नहीं जान सकता, केवल ऊपर देखकर नहीं जान सकता कि इसमें गाय का मीट है, इसमें बकरी का मीट है, इसमें सूअर का मीट है, कईयों में लिखा होता है उनके लिए अनुपयुक्त है, ऐसी भाषा और ऐसा प्रयोग करते हैं, व्यक्ति वहाँ तक जा ही नहीं पाता, इतने बारीक अक्षरों के अंदर लिखा रहता है, व्यक्ति इस बात की खोज नहीं कर पाता। उसने डाल करके फोन के ऊपर दिखाया, देखो ये कोड इनका डला हुआ है, इसको पढ़ा जाए, उसका अर्थ जो निकला किसमें गाय का अमुक अंश डाला जाता है, ऊपर हरा डॉट लगा हुआ है। आपको थोड़ा सा आश्चर्य सा हुआ होगा, मैं इसकी बहुत गहराई नहीं जानता, लेकिन मुझे दिखाया कि ये स्थिति चल रही है और लोगों को इतना भ्रमित किया जा रहा है। जो शुद्ध भोजन है सात्विक कहाँ रहे है, वो तो बड़ा मुश्किल हो गया, और बाजार की इन चीजों से उस तरह की अपेक्षा रखना आशा रखना मुश्किल है। शुद्ध और सात्विक भोजन तो जो अपने घरों में तैयार होता है वही होता है, और उसको भी विवेक के साथ में अगर बनाया जाता है तो ही होता है, अन्यथा तो शुद्ध सात्विक भोजन प्राप्त होना ही मुश्किल है। और वो जो शुद्ध भोजन है वही हमारी पूरी और सही मानों में धार्मिकता होती है, क्योंकि इसमें पूरी तरह शुद्धि है, और उस शुद्ध आहार से ही सत्य शुद्धि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हुआ करती है। भाइयों, इस चर्चा में थोड़ी सी बात में आपसे यही कहना चाहूंगा, जागृति की आवश्यकता है, उसकी बहुत आवश्यकता है। आज संसार के अंदर एक ऐसा आंदोलन कहूं क्या कहूं चल रहा है जो धार्मिक लोगों के विपरीत है, शाकाहारी लोगों के विपरीत है। जितने चीजें बाजारों में आ रही हैं इन सब के अंदर कितना गैर शाकाहारी चीजों का प्रयोग होता है, जरा सी चर्चा करूंगा, थोड़ी सी बात कर रहा हूं। बंधुओं, खाने की चीजें तो अपने स्थान पर हैं, उनकी तो बात मैं अभी कह ही रहा था आपको, वो तो अपने जगह के ऊपर हैं। जितने आज प्रसाधन की चीजें आती हैं, जितना तो क्या कहूं सब तो नहीं, इनमें बहुत सारी चीजों में, यहां तक कि शैंपू आदि चीजों में, इनमें भी अंडे का प्रयोग होता है, और चीजों में
अंडे का प्रयोग होता है, इनमें गैर शाकाहारी चीज़ें डाली जाती हैं और कितने प्रकार के अन्य जो पदार्थ हैं उनमें डाली जाती हैं। और धार्मिक लोग चूँकि सरल हैं, उन्हें इतना ज़्यादा इस बारे में विचार नहीं है, गई चीज़ ले आए और प्रयोग कर ली, कितनी गलत बात हो जाती है। जो व्रत हमने पूरे जीवन के लिए धारण किया कि हमने गैर शाकाहारी चीज़ का प्रयोग ही नहीं करना है और उनका प्रयोग होता है, इस तरह से हमारे प्रयोग के अंदर ये चीज़ें डाली जाती हैं। आज जागने की ज़रूरत है धार्मिक लोगों को और जाग करके इन सारी चीज़ों का विरोध करने की आवश्यकता है, चाहे वो खाने की चीज़ें हैं और चाहे वे उपयोग की चीज़ें हैं। इनका बहिष्कार करना, इनका विरोध करना, और विरोध करेंगे तभी हम लोग अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं और अपने सही अर्थों में जो अपनी मान्यताएं अपना धर्म है उसको सही मानों में पालन कर सकते हैं। कुछ और चर्चा इसी आहार के बारे में कर रहा हूँ। शुद्ध और सात्विक जो आहार है, थोड़ा सा हमने सोचना है, उसके साथ भी विवेक की बड़ी ज़रूरत होती है। विवेक की ज़रूरत क्या होती है? अगर शुद्ध आहार है, सात्विक आहार है और घर में निर्मित है, लेकिन खाने में विवेक नहीं है, अति भोजन कर रहे हैं, वो भी बुद्धि को खराब करने वाला होता है। ऐसा नहीं है कि भी अत्यंत बहुत भोजन किया, बहुत ज़्यादा भोजन किया और करते रहे, स्वाद के वशीभूत होकर के करते रहे, वो भी ठीक नहीं होता। वह तो अपने भूख के प्रमाण के अनुसार ही ग्रहण करना होता है, ऐसा नहीं कि ये है तो बस खाते रहो और खाते रहो। संस्कृत का एक हास्य श्लोक है, उसके अंदर एक बात बताई गई कि एक पिता और पुत्र कहीं भोजन करने जाते हैं तो दोनों भोजन कर रहे थे, पुत्र का पेट भर गया, उसने कहा पिताजी और तो खाया नहीं जाता, पेट भर गया और इतना ज़्यादा भर गया सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, अब बताओ आगे मैं क्या करूं। मैं इस बात का विनोद को थोड़ा बीच में इसलिए ले आया ये बताने के लिए कि विवेक की आवश्यकता कितनी होती है। पिता कहता है परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, अरे दुर्बुद्धे ये तो प्राण दूसरे का भोजन मिला है खाने के लिए, जीवने के लिए ये प्राप्त हुआ है, माँ प्राणेशु दयाम करो, तो अपने प्राणों पर दया मत कर कि मैं ज़्यादा खा लूँगा तो मर जाऊँगा, इस बात की चिंता मत कर। दुर्लभानी प्राणानी, ये भोजन दूसरे का भोजन मिलना बड़ा दुर्लभ होता है, प्राणा जन्मनी जन्मनी, अरे मर भी जाएगा तो अगले जन्म में फिर प्राण मिल जाएंगे, लेकिन दूसरे का भोजन मिलना ये मुश्किल होता है, इसलिए खाओ और खाते चले जाओ। भाइयों, इस बात को विनोद को कहकर मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें इस तरह का नहीं बनना, इस तरह का नहीं होना। हमने तो शुद्ध सात्विक भोजन मर्यादा के साथ में इतना हमारे को आवश्यकता है उसके अनुसार ही चलना चाहिए, तभी उसकी महत्ता है। और इसके साथ में यह है, शुद्ध सात्विक भोजन की बात में, शुद्ध सात्विक भोजन करने वाला व्यक्ति और भी विवेक रखता है। क्या विवेक रखता है? अपने खाने से पहले वह दूसरे को, अतिथि को खिलाना पसंद करता है, दूसरे को भोजन करवा करके फिर स्वयं ग्रहण करता है। उसके लिए कहा जो भोजन करवा करके और फिर स्वयं भोजन ग्रहण करता है वो भोजन नहीं करता, वह अमृत को ग्रहण करता है। दूसरे को खिलाकर जो खाता है उसका वो भोजन भोजन नहीं रहता, अमृत हो जाता है। अतएव दूसरे को देकर, दूसरे को बांटकर, दूसरे को खिलाकर फिर खाना चाहिए, तब इन सारी बातों से हमारा भोजन शुद्ध और सात्विक भोजन बन पाएगा। तो ऐसा भोजन सद्बुद्धि का निर्माण करता है। तीन बातें ठीक हों, हमारी क्रियाएं ठीक हों, दान देने की प्रवृत्ति हो, और तीसरी बात भोजन शुद्ध हो,
उस जीव की शुभ गति सदगति होगी ही होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता है, उसे श्रेष्ठ गति प्राप्त होगी। इन बातों का ख्याल रखते हुए आगे चला जाए, तभी जीवन के अंदर उन्नति प्रगति होगी और आगे हमारा जीवन शुभ और श्रेष्ठ जीवन बनेगा। इतना कहते हुए चर्चा को विराम देता हूँ। दूसरी कथा हमारी रुकी हुई है, उसकी चर्चा आज आपके सामने और बढ़ा करके कर रहा हूँ, मिल करके बोलेंगे। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव बंधु। संसार बड़ा विचित्र है, संसार धोखे छल झूठ कपट राग और द्वेष इनसे भरा हुआ है। व्यक्ति अपने कार्यों की सिद्धि के लिए झूठ का कितना सहारा लेता है, छल का सहारा लेता है, कपट करता है, और अपने कार्यों की सिद्धि क्या, दूसरे को गिराने के लिए, दूसरे का पतन करने के लिए कैसे कैसे काम करते हैं। छोटे से बीच में एक छोटी सी कथा है, तो हिंसक आदमी की। एक व्यक्ति था, मछलियां पकड़ता था। एक दिन उसने जाल लिया और वह मछलियां पकड़ने गया। उसके पास में दो टोकरी थी, जाल में मछली आती उस टोकरी में डाल देता, एक और टोकरी थी उसमें वह एक और लंबी लंबी टांगों वाला जीव होता है, उसको केकड़ा कहते हैं, उसमें वो केकड़े भरता था, डाल रहा था। मछली तो पानी से बाहर आके मरी जाती है, पर कभी कभी कोई कोई मछली अपनी शक्ति से लगा उछल करके कोशिश करती है कि मैं दोबारा से पानी में चले जाऊं। उस व्यक्ति ने कुछ थोड़ा उसके ऊपर जाल वगैरह डाला हुआ था, केकड़े सारे जीवित थे, उनको पानी से बाहर निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये काम कर रहा था हिंसा का। एक व्यक्ति आ गया, उसने देखा, उसने उस मछुआरे से कहा, भाई ये क्या बात है, इसके ऊपर तो तूने जाल ढक दिया, कोई मछली उछल के बाहर ना चले जाए, और ये केकड़े सारे जीवित कोशिश कर रहे हैं ऊपर चढ़ने की, और ये निकल भागे तो। वहां पड़ा, बोले ना ये कहीं नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाएंगे, देख कोशिश कर रहे हैं ये इसके ऊपर टोकरी पर चढ़ने की, बाहर निकलने की। उस आदमी ने कितनी गजब की बात कह दी, जो बड़ी बड़ी विचित्र बात है। वो बोला इन केकड़ों में एक आदत होती है कि एक केकड़ा ऊपर चढ़ेगा उसके पीछे दूसरा चढ़ेगा और वो उसकी टांग पकड़ लेगा और फिर दोनों के दोनों नीचे आ गिरेंगे। इसको केकड़ा वृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं भाइयों? दूसरे को ऊपर नहीं जाने देना, पीछे वाला उसकी टांग पकड़ता है और परिणाम दोनों के दोनों नीचे। बोले निकल ही नहीं सकते, वृत्ति होती है। केकड़ा तो एक क्षुद्र प्राणी है, केकड़ा ये काम करे तो कोई आश्चर्य नहीं होता है, परंतु इसको कहीं फिट नहीं करना इधर उधर बात को, बात को समझना। मनुष्यों में भी आदत होती है क्या, अगर एक आदमी आगे बढ़ रहा है उसको देख नहीं सकते ये आगे कैसे बढ़ रहा है,
ऐसी कोशिश करेंगे जिससे कि उसकी भी टांग पकड़कर उसे नीचे गिराया जाए। हम तो नहीं ऊपर उठ सके, पर तू कैसे ऊपर उठ जाएगा? इस वृत्ति को केकड़ा वृत्ति कहते हैं। वर रुचि इस बात पर लगा हुआ था शक्तार को किस तरह से फंसाया जाए, और उसने ये काम धोखे का और छल का काम कर ही दिया। शक्तार के बेटे का विवाह था, वहां तैयारियां चल रही थी विवाह की। शक्तार मंत्री को ये ख्याल नहीं था कि तेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है, वह अपने काम में व्यस्त था। उसने राजा को भेंट करने के लिए मुकुट छत्र आदि सिंहासन ये बनवाने के लिए नीचे तहखाने में कारीगर रखे हुए थे, वो बना रहे थे। वर रुचि ने राजा को ये शिकायत की कि ये शक्तार बड़ा धोखा करने जा रहा है। क्या धोखा कर रहा? राजा ने पूछा। बोला ये अपने लड़के को राजा बनाना चाहता है, और जो इसके ये आएंगे मित्र प्रिय जन और ये सब सैनिक होंगे, सामान्य वेश में होंगे, आप पर आक्रमण करके ये राज्य को हथियाना चाहता है। नहीं नहीं, ये क्या बात करते हो? शक्तार हमारा बहुत वफादार आदमी, तुम क्या बात कर रहे हो? बोले आपको विश्वास ही तो नहीं आ रहा। आप देखो, इस बात के लिए आप खुद पता चल जाएगा आपको। वर रुचि के कहने से राजा नंदन ने शक्तार के घर पर छापा मरवा।